टुडेज टॉपिक इज OCM चैप्टर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1, जिसका आज हम लोग लेने वाले हैं मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी कि अगर हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी को खोलते हैं तो हमें उससे क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं। तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे दिए गए हैं। सबसे पहला जो इसका फायदा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, वो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्योंकि देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक ओनर तो है नहीं कि उसके पास लिमिटेड कैपिटल होगा, यानी कि लिमिटेड प्रॉपर्टी, उसको घर पर बेचा भी तो भी थोड़े बहुत ही पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, एक लिमिटेड अमाउंट में ही हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक आदमी नहीं है, यहाँ पे हज़ारों लोग होते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, और ऊपर से पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर तो कोई लिमिट ही नहीं होती है, यानी जितने चाहो उतने लोगों को आप शेयर होल्डर्स बना सकते हो। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे कैपिटल की भी कोई लिमिट नहीं है, जितने लोग आते जाएंगे उतने ज़्यादा आपके पास कैपिटल अराइज होते जाएंगे। तो इस वजह से इनके पास काफ़ी ज़्यादा कैपिटल होता है, काफ़ी फंड्स होते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ऊपर से लोग काफ़ी सारे डिबेंचर्स भी लोगों के सामने रख देते हैं, यानी कि लोग जो है वो चाहे तो हमारे कंपनी के अंदर पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन हम उनमें कुछ सालों बाद उन्हें इंटरेस्ट के साथ उनके पैसे वापस कर देंगे। एज मतलब फिक्स डिपॉजिट के तरह ही होता है डिबेंचर भी, कि जैसे बैंक के अंदर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, उसके बाद उसको एक साल के बाद 5-6% इंटरेस्ट मिलता है, तो वैसे ही कंपनीज भी करती है डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये यहाँ से इनके पास काफ़ी ज़्यादा कैपिटल आ जाता है, काफ़ी पैसे हो जाते हैं इनके पास। तो ये फ़ायदा होता है कि जॉन स्टॉक कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा ही पैसे होते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। देन दूसरा इसका फ़ायदा होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का। क्योंकि देखो, ये जो कंपनी है ये छोटे मोटे स्केल पे चल नहीं रही है कि खुद से चला दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर करके काम अपना चला लेंगी। यहाँ पे बहुत बड़े स्केल पे अपने हम बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी को खोले। तो इस वजह से, क्योंकि हमारा जो कंपनी है वो बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर करना पड़ जाता है, यानी कि अपनी कंपनी को मैनेज एक प्रोफेशनल हायर को मतलब प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर करना पड़ता है, जिनको हम अपना जो बिजनेस है वो हैंड ओवर कर देते हैं। और वो जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, यानी कि बेसिकली डायरेक्टर्स जो हमारी कंपनी को मैनेज करने वाले हैं। अब ये जो मैनेजर्स होते हैं, ये ऐसे नहीं कि थोड़े बहुत सैलरी में आ जाते, काफ़ी ज़्यादा इनकी हाई पेमेंट भी होती है, क्योंकि क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं। इस वजह से इनके पास काफ़ी मतलब इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी भी चाहिए रहती है, यानी कि लाखों में सैलरी चाहिए रहती है, इनको हज़ार में काम नहीं चलता। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनको मैनेजमेंट में पैसे मतलब खर्च करने पड़ जाते हैं। लेकिन ये एक फ़ायदा हो जाता है कि यहाँ पे हमारे पास जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल होती है, काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट हमें मिल जाती है। और वैसे भी कंपनी के पास क्योंकि काफ़ी सारे पैसे होते हैं, तो यहाँ पे वो डरती नहीं है पैसे खर्चे करने में। ठीक है, देन हमारे पास तीसरा जो फायदा होता है वो होता है मोर स्कोप फॉर एक्सपांशन। क्योंकि देखो, हमारे पास पैसे भी ज़्यादा है, हमारे पास मैनेजमेंट भी प्रोफेशनल है, यानी कि काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट भी है। तो इस वजह से ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, ये बड़े बड़े रिस्की प्रोजेक्ट लेने में डरती नहीं है, और क्योंकि इनके पास काफ़ी कैपिटल है तो ये अच्छे मतलब बड़े बड़े काम भी करती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती है, जिसकी वजह से इनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। मतलब मान लो अभी इंडिया में अभी खाली अपना कंपनी खोले थे, तो अब देन वो अपने अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में भी खोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये भी फ़ायदा हो जाता है, ये भी एक फ़ायदा हो जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, कि यहाँ पे हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत ही जल्दी और काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में। ठीक है, अब चौथा जो इसका फ़ायदा होता है वो होता है पब्लिक कॉन्फिडेंस का। यानी कि देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जनरल पब्लिक को हमारे शेयर्स को ख़रीदना होता है, यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद लो, तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपकी जो कंपनी है वो फ़ायदे में है चल रही है कि घाटे में चल रही है। अगर फ़ायदे में चल रही होगी तब मैं आपका शेयर्स को खरीदूंगा, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो। तो सो डैट ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, ये अपने जितने भी अकाउंट्स होते हैं, यानी कि जो बैलेंस शीट होती है, जितने भी अकाउंट्स होते हैं कि आप कितना कमा रहे हो, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपके पास कितने लोन्स आपने लिए, कितने लोन लिए हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं जनरल पब्लिक, उसके बाद आपसे शेयर्स को खरीदते हैं। सो डैट ये जो कंपनी होती है, ये अपने क्योंकि अकाउंट्स को पब्लिक कर देती है, लोगों को दिखाती है कि हम कितना कमा रहे हैं, तो इस वजह से लोगों के पास कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर हम इस कंपनी में पैसे लगाएंगे तो हमारा जो पैसा है वो बढ़ेगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है कि लोगों के पास कॉन्फिडेंस होता है कि हम मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस हमें मिल जाता है अप टूवर्ड अस। ठीक है, देन इसका चौथा मतलब पाँचवा फ़ायदा होता है रिलीव इन टैक्सेशन। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है खाली इंडिया लेवल बिजनेस नहीं करती, ऊपर से अगर इंडिया लेवल में भी खाली बात करें तो वहाँ पे भी क्योंकि ये बड़े स्केल पे करती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमाती है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसे अर्न करने की वजह से कंपनीज को गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारे टैक्स रिलेशन मतलब रिलीफ भी देती है। बेसिकली क्यों देती है, उसका रीज़न रहता है क्योंकि देखो, कंपनी जो है वो खाली इंडिया से नहीं कर रही है ट्रांजेक्शन, बाहर देश से भी करती है ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब जैसे रिलायंस है तो खाली इंडिया सामान को बेचता है, वो बाहर देश में भी बेचता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है,
जब इतनी ज़्यादा कमाई होती है तो इस वजह से इंडिया जो होती है, कंट्री जो होती है, उसकी इकोनॉमी भी ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और इस वजह से गवर्नमेंट जो चाहता है, गवर्नमेंट चाहता है कि कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो भी डेवलप हो। ठीक है, तो इस वजह से ये जो कंपनीज होती है इनको गवर्नमेंट काफ़ी सारे रिलीफ देती है कि आप वो आप जो है हमें कम टैक्स दीजिए, लेकिन आप अपनी कंपनी को और ग्रो कीजिए, जिससे हमारी कंट्री का जो इकोनॉमी है वो भी ग्रोथ हो जाए। तो इस वजह से इनको एक फ्लैट रेट मिल जाता है टैक्सेशन का, कि अगर मतलब बेसिकली अगर आप 1,000 का मतलब मान लो अगर आप 1,000 कमा रहे हो, तो उसके अंदर आपको हमें सिर्फ इतने ही परसेंट देने हैं, यानी कि एक फिक्स्ड रख देते हैं कि आपको हर साल बस हमें इतने परसेंट, इतने मतलब 1,000 रुपये, मतलब इतने लाख रुपये आपको टैक्स दे देना, चाहे आप कम कमाओ ज़्यादा कमाओ। ज़्यादा कमाओगे तो आपका फ़ायदा रहेगा और कम कमाओगे तो घाटा भी होगा। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है कि जब ज़्यादा हम कमाएंगे तो वो जो फ्लैट रेट हमने मतलब फ्लैट रेट हमें टैक्सेशन में मिला था, कि सिर्फ आपको मान लो 1 लाख रुपए का टैक्स ही भरना है, चाहे आप ज़्यादा कमाओ कम कमाओ। तो मान लो आपने 10 लाख कमाए तब भी आपको 1 ही लाख देना पड़ रहा है, तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, अब छठवां जो फ़ायदा हो जाता है वो होता है एक्सपोर्ट सर्विसेज का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, हमारे पास पैसे भी बहुत होते हैं। तो कल को मान लो अगर हमें किसी से एडवाइस चाहिए या फिर हमें कोई डिसीजन लेना है, तो हम मतलब स्पेशल जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी राय भी ले सकते हैं, उनको हम अपॉइंट कर सकते हैं, उनसे हम अपनी जो बिजनेस है उनकी चेकिंग भी करवा सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास पैसे तो बहुत है, तो इस वजह से हम खर्चा करने में डरते नहीं है, तो हम एक्सपर्ट लोगों को हायर करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम ऑडिटर्स को भी हायर करते हैं अपने अकाउंट्स को भी चेक करने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट लोगों की भी हमारे पास सर्विसेज होती है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस और अच्छे से ग्रो हो पाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो फ़ायदा होता है वो होता है परपेचुअल सक्सेशन का। हमने फीचर्स के अंदर देखा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है, अगर इसके अंदर सबके सब भी जितने भी मेंबर्स हैं, यानी कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, ऊपर से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर सबके सब भी मर जाते तो भी कंपनी जिंदा रहती है। यानी कि एक दो मरने से तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, ऊपर से अगर सब भी मर जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कंपनी हमेशा अलाइव रहती है, जिंदा रहती है। ठीक है, और इसका रीज़न ये रहता है क्योंकि कंपनीज एक्ट में लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कि ये जो कंपनी होती है उसको हमने एक आर्टिफिशियल इंसान मान लिया है। तो इस वजह से मेंबर्स मरने से तो ना वो आर्टिफिशियल इंसान मरने वाला है, तो जब तक उसे हम खुद नहीं बंद करेंगे तब तक वो बंद नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे ये फ़ायदा मिल जाता है कि एक दो मेंबर्स के मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पूरे भी मर जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे तो ये रेयर केस है कि सबके सभी मर जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सारे मेंबर्स भी मर जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो एक दो मेंबर्स मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सभी मर जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है कि यहाँ पे बिजनेस जो है उसको कोई अफेक्ट नहीं पड़ता कंपनी का, वो लॉन्ग टाइम तक चलती जाती है। आठवां जो इसका फ़ायदा होता है वो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का, क्योंकि देखो लॉ जो है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कि ये जो कंपनी होती है वो एक इंडिविजुअल है, खुद का एक अलग इंसान है, यानी कंपनी को हमने एक इंसान मान लिया है। तो अगर ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है, इंसान है, अगर इसने किसी से कल को लोन लिया है कंपनी के नाम पे, अपने नाम पे लोन ले लिया है, और वो लोन को नहीं भर पाती है, तो वो जो बैंक है वो हमारे पास नहीं आएगा, मेंबर्स के पास नहीं आएगा, वो सिर्फ कंपनी के पास आएगा पैसे वसूली करने के लिए। क्योंकि ये माना मतलब कंपनी को हमने इंसान मान लिया है, तो ये माना जाएगा कि वो जो आर्टिफिशियल इंसान है उसने लोन लिया है, तो पैसे भी वो भरेगा, थोड़ा ना मेंबर्स भरेंगे। तो यहाँ पे ये भी फायदा मिल जाता है कि ये जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको अपने जेब से एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनकी भी उनकी बस खुद की लाइबिलिटी होती है, अगर उन्होंने अपने नाम से कोई लोन लिया है 1-2 लाख का, तो सिर्फ वो भरने की उनकी लाइबिलिटी होती है, ये नहीं कि कंपनी के नाम से कोई लोन है तो वो भी भरने की जिम्मेदारी होती है। तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है कि वो सिर्फ अपने लाइबिलिटी को भरेंगे, जितनी भी उनकी लाइबिलिटी होगी, ये नहीं कि जितने भी मतलब कंपनी के लाइबिलिटी वो भी भरेंगे। ठीक है, बेसिक मतलब ये देखे तो अपने जेब से हमें पैसे नहीं देने पड़ते कंपनीज की उधारी भरने के लिए। ठीक है, कंपनी को ही अपने सारे असेट्स बेचकर उन उधारी को भरना पड़ता है। तो यहाँ पे ये भी एक फ़ायदा मिल जाता है, और ये लास्ट फ़ायदा भी है जॉन स्टॉक कंपनी का। अब यहाँ तक हमने जितने भी फ़ायदे वो देख लिए, अगर आपको इस फायदे में मतलब मेरिट्स में कोई भी मतलब ऐसे डिफिकल्टी लगती है कि कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया, या फिर आपको कोई भी ऐसा डाउट होता है जो आपके दिमाग में रह जाता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड देन आपको ये भी कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डीमेरिट्स ऑफ जॉन स्टॉक कंपनी, यानी कि क्या क्या घाटे होते हैं कंपनी को स्टार्ट करने के, जॉन स्टॉक कंपनी के क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं। काफ़ी सारे डीमेरिट्स भी इसके होते हैं, यानी कि इसके डार्क साइड्स भी होते हैं, कि अगर हम किसी चीज़ के फ़ायदे देख रहे हैं तो उसके घाटे भी देखने पड़ते हैं। तो देखते हैं इसके जो ये जो वीडियो आपको ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।